हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे व्लॉग में स्वागत है। आज का व्लॉग थोड़ा अनोखा है बाकियों के व्लॉग से, क्योंकि आज का व्लॉग शहर के पास कहीं दूर वाला व्लॉग है, तो हम बस वहीं के लिए ही निकल रहे हैं। हमारा कोई प्लानिंग नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे, पर हाँ कहीं तो जाना है जहाँ थोड़ी शांति मिल सके, तो बस थोड़ी सी शांति के खोज में हम निकल पड़े कि कहाँ मिलेगी। आजकल के बंद शहरों में सिर्फ गाड़ियाँ पॉल्यूशन ही मिलता है, उसके अलावा शांति मिलता ही कहाँ है। हम ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ खुला आसमान हो, खुली हवा हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ये सब चीज़ देखे। वो बस आजकल शहरों में जो बच्चे रहते हैं उसी के तरह वो भी एक बंद हो गई है, एक बंद जगह में रहना लगी है, कुछ लिमिटेड लोगों के साथ खेलने लगी है। लेकिन खुली जगह में दौड़ना, खुले जगह में खेलना, खुली जगह में सांस लेने का जो एक अलग शांति है, वो शांति मैं खुद के लिए भी अभी चाह रही हूँ और मेरी बेटी के लिए भी चाह रही हूँ कि उसको भी ये सब चीज़ का पता हो। और मैं ये भी चाहती हूँ कि वो भी सब चीज़ से वैसे ही प्यार करे जैसे हम लोग बचपन में करते थे। जाते जाते आखिरकार हमें वो जगह मिल ही गया जिस जगह की हमें तलाश थी, या फिर जैसा जगह हम चाहते थे, शांति वाला जगह। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा धूप है, शायद इसी धूप की वजह से इतना अच्छा आज फ़ोटो आ रहा है, मतलब ये कैमरे में इसी वजह से शायद इतना अच्छा आप लोग देख पा रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को ख़राब नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, अगर हम खुली धूप के नीचे रहेंगे तो वो तो सच में ख़राब है, लेकिन इस जगह में बहुत से पेड़ हैं, इसलिए धूप होते हुए भी हमें बहुत छाँव मिल रहे हैं। इस जगह में पानी है, यानी ये जो पानी आप देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी है। नदी के कारण यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही है, आपको घर में हम फैन चला के रहते हैं ना, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। मतलब शायद हम ऐसे ही ढूंढ रहे थे, एक गांव वाला जगह, एक गांव वाला फीलिंग दे रहा है, इतना अच्छा हवा चल रहा है। देख रहे हैं आप, पत्ते देख के समझ पाएंगे कितना अच्छा हवा चल रहा है। और इस जगह को घेरे हुए एक मंदिर है, वो मंदिर भी अपने आप में बहुत ही अनोखा है, मैं बताऊंगी उस मंदिर के बारे में। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि मेरी बेटी ये सब चीज़ को देख के कितना एंजॉय कर रही है। मैं बस यही तो चाह रही थी कि वो भी ये सब चीज़ों से ऐसे ही प्यार करे। तो चलिए मंदिर की तरफ भी चलते हैं। ये मंदिर बहुत ही पुराना है और ये मंदिर असम में है, गुवाहाटी से ज़्यादा दूर नहीं है। और इस मंदिर को लोग हाथीशिला मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर में एक पहाड़ है जहाँ पे हाथी का सूर के जैसा पहाड़ का स्ट्रक्चर अपने आप तैयार हुआ है, और आपको ऐसा लगेगा कि ये बीच में हाथी का सूर है और दोनों तरफ दोनों कान हैं, इसीलिए इसे हाथीशिला बोलते हैं। हाथी के तरह स्ट्रक्चर में जो पहाड़ है, इसीलिए इसका नाम हाथीशिला पड़ा है। यहाँ पे गणेश जी, शिव जी और अन्य बहुत सारे भगवान की भी स्थापना है, जहाँ पे लोग आसपास से आते हैं, पूजा भी करते हैं। ये सब आनंद लेते लेते पता ही नहीं चला कि कितना टाइम बीत गया है और बस घर जाने का वक्त भी आ ही गया है। इस जगह को छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा था, पर हमने वादा किया है कि हम फिर से आएंगे इस जगह पे, और हम मेरे साथ साथ आप भी फिर से इस जगह को देख सकते हैं, और ये सच में बहुत ही अच्छा जगह है। तो बस इस जगह से अब बाय बाय करते हैं, और आप लोग मुझे बाय बाय नहीं कीजिएगा, आप लोग मेरे सफ़र पर मेरे साथ ज़रूर रहिएगा। हे एवरीवन, तो मेरा व्लॉग्स आप सबको कैसा लग रहा है? तो ये व्लॉग बस इतना ही तक था, मैं कुछ अलग तरीके का व्लॉग लाने का सोच रही हूँ, आप लोग धीरे धीरे मेरे साथ बने रहिए। बहुत तरीके का व्लॉग मैंने सोचा है आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों के सामने लाऊंगी, पर मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोग कुछ और तरीके का वीडियो चाह रहे हैं तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगी उसे सुधारने का या फिर वैसा वीडियो लाने का। तो फिर तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो लेके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।